और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दिल्ली में शांतिवन स्मारक पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शांतिवन में पहुंचकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू को आज पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी देश के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को याद किया और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली और NCR में दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर प्रदूषण से आबोहवा खराब हो गई है। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। राजधानी में आज सुबह AQI 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ITO में AQI 424 दर्ज किया गया है, जबकि IGI एयरपोर्ट में AQI 449 दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 407 दर्ज किया गया है। अंबेडकर नगर के ग्राम पंचायत जुनेदपुर निवासी अरविंद अग्रहरी ने आधा दर्जन से ज्यादा ग्राम प्रधानों पर आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने दुकान का 2,49,000 रुपए बकाया का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधानों की ओर से अग्रहरी मशीनरी रामनगर में इंडिया मार्ग का रिपेयरिंग करने के लिए दुकान से सभी ग्राम पंचायत अधिकारी को सामान दिया गया है। 3 साल बीत गए लेकिन अभी तक बकाया रुपया नहीं मिल पाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार उच्च अधिकारियों से किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे नाराज होकर पीड़ित अरविंद अग्रहरी रामनगर ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। हमारे वहाँ पिछले प्रधान के समय का, मतलब पिछले कार्यकाल के समय का बकाया धनराशि है, 6-7 ग्राम सभा का। वो भुगतान के लिए हम 3 साल से दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आश्वासन स्पष्ट नहीं मिला। बस यही कहते हैं कि हो जाएगा, जाँच हो गई है, यही आश्वासन देते हैं लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। तो आज आप धरने पर बैठे हैं? जी हम ये धरने पर बैठे हैं, सब जगह हर अधिकारियों को अवगत करा करके ही बैठे हैं। अच्छा, कब से आप बैठे हैं? सुबह 7 बजे से बैठे हैं सुबह। तो अभी कोई अधिकारी आया कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई जिम्मेदारी नहीं आया। गाजियाबाद के श्रीलाल हनुमान मंदिर में मां काली के मंदिर कमेटी की ओर से पूजा और विसर्जन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा और विसर्जन में थाना लोनी पुलिस के तरफ से शोभा यात्रा को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया गया। इसके अलावा मां काली की शोभा यात्राएं धूमधाम से निकाली गई। मां काली के स्वरूप को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। साथ ही लोगों ने मां काली का जगह जगह स्वागत भी किया। इस दौरान प्राचीन अध्यक्ष अंकित गोस्वामी और भोपाल मुखर्जी समेत अन्य भक्त शामिल रहे। बहराइच जिले के चुरई पुरवा मुस्तफाबाद गांव निवासी दो युवक 5 दिन पूर्व रहस्यमय हालत में गायब हो गए थे। परिवार के लोगों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को दोनों के शव लोहिया तालाब में बरामद हुआ है। इससे नाराज परिवार के लोगों ने लखनऊ बहराइच मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने सभी को समझा बुझा कर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर देहात में एक युवक के चचेरे भाई ने ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। परिजन जब युवक को लेकर CSC पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही CSC क्षेत्राधिकारी के साथ शिवली पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। बता दें कि मामला शिवली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिवली के ग्राम नया पुरवा में दो सगे चचेरे भाइयों रोशन लाल व अशोक राजपूत में खेत पर पानी लगाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के क्रम में नशे की हालत में रोशन लाल द्वारा अपने सगे चचेरे भाई अशोक राजपूत पर ईंटे से वार कर दिया गया, जिससे वह चोटिल हो गए। उन्हें CHC शिवली ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौके में पहुंचकर मेरे द्वारा स्वयं घटना की छानबीन व पड़ताल की गई थी।
FIR पंजीकृत कर ली गई है। एक टीम गठन पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। मामला खेत में जींद आ रहे थे इसलिए। तो क्या हुआ? रोशन ने ईंट मार दी। किसके? अशोक के। अशोक आपके कौन है? पति। क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई क्या? हाँ। आप पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ। पुलिस मौके पुलिस पे थाने में ले आए राम। उसके बाद में आप अस्पताल आए? हाँ। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाँ। जीन डालने को लेके किन लोगों ने ईंट मारा था? रोशन ने। अच्छा अच्छा, और भी कोई शामिल था इसमें? ना। रोशन कौन है? रोशन आपके दादा का लड़का। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के बरहा निवासी लक्ष्मी देवी थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता ने बताया कि दिवाली का त्योहार था, सभी लोग त्योहार मनाने में व्यस्त थे। प्रार्थी का छोटा बेटा ऋतिक भी घर में सजावट आदि कर रहा था, तभी करीब रात 8 बजे छोटे बेटे ऋतिक गंगवार के ससुराल वाले इकट्ठे होकर छोटी बहू मनीषा गंगवार को घर ले जाने के लिए आए थे, जिसके बाद मनीषा गंगवार कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई थी। दीपावली की पूजा को लेकर जब प्रार्थिनी के पुत्र ऋतिक गंगवार ने अपनी पत्नी मनीषा गंगवार को लेने पहुंचे तो ऋतिक गंगवार का ससुर अजीत सरकार और साला राजा और राजू सरकार और शाहरुख राधाकांत सरकार ने मनीषा गंगवार को वापस न जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उक्त लोगों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मैं अपने घर चली गई थी, फिर ये आए मुझे लेने आए, बुला रहे थे तो मेरे जीजा जी और पापा गए थे, बोले वो अभी नहीं आएगी, सुबह आएगी, तुम अभी जाओ। तो ये बोले नहीं हम अभी ले जाएंगे। फिर ये घर पे आए, अंदर आ रहे थे तो मेरे पापा और जीजा बोलने लगे कि तुम अंदर कैसे आ रहे हैं, अंदर कैसे आ रहे हैं। उसी टाइम उन लोगों ने इन्हें मारा। मैं ये ससुराल वालों ने मैं घर पे अपनी घरवाली से लड़ाई हो गई थी, उसे बुलाने गया था। मेरे घरवाली के सालों ने और मेरे ससुर ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और डंडे से मारा और बर्तन बनाने की कोशिश करी साड़ू में। अच्छा, क्या क्या नाम है जिन लोगों ने मारते हैं? राजा सरकार, राजू सरकार, अजीत सरकार और राधा कांता विश्वास। सिर में कितनी चोट है? सर में अब मिली थो रात। सबल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाला स्थित महिला के गदन कटे होने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिस पर आनन फानन में कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस को महिला का गदन कटा शव महिला की ससुराल में मिला। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस ने आला अधिकारियों को दी, जिस पर भारी पुलिस बल के साथ SSP संभल और क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने काफी नोकझोंक के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। संभल से चौधरी सराय चौकी के अंतर्गत मुशरफ कॉलोनी से आज पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम रौनक पत्नी शहनवाज है का शव अपने ससुराल स्थित घर में पड़ा हुआ है तथा उसके गले पे किसी धारदार हथियार से चोट की हुई है। इस सूचना पर तुरंत थाना पुलिस तथा मेरे और फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतका की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। पुलिस तमाम पहलुओं से जांच में जुट गई है। घटना पाली थाना क्षेत्र के रामनगरिया गांव की बताई जा रही है। थाना पाली क्षेत्र के ग्राम नगरिया में युवका पत्नी हरेंद्र कुशवाहा जो कि 22 वर्ष की थी, इनकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, इन्होंने अज्ञात कारणों से अपने घर के अंदर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पे इसमें आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य। असमोली थाना क्षेत्र के गांव टांडा निवासी 25 वर्षीय अनिल अचानक घर से लापता हो गया, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन सोमवार की सुबह टांडा निवासी सुरेंद्र मास्टर के समरसेबल पर संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीणों को एक युवक का शव मिला।
युवक के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना अनिल के परिजनों को मिली। अनिल के परिजन आनन फानन में नलकों पर पहुंचे तो उन्हें अनिल के चप्पल दिखाई दिए। अनिल के चप्पल परिजन दौड़कर शव के पास पहुंचे। शव देखकर अनिल के परिजनों की चीख पुकार निकल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की अब आगे की जानकारी में जुट गई है। ये सात बजे से और आठ बजे के बीच में फोन आया था उसके पास जी। तो हमने सारे गांव में ढूंढा, ना मिला सीओ को। कोई छः बजे करीब में 12 में पड़ा होदिया में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? गांव के व्यक्ति ने बताया। तो अब क्या हुआ फिर? अब पुलिस आई, अपने पूछताछ करके और कहा मैं पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तो इसकी जानकारी नहीं मिली किसने मारा क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं मिली। आपने कोई तहरीर वगैरह दी किसी के खिलाफ? तहरीर नहीं दी अभी जी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।